बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स ये सवाल बार बार कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है, जिन्होंने पहले जो है वो पिछले साल की जिनकी एफएससी है, जिनको पिछले साल एडमिशन नहीं मिला था, जिनके एफएससी का रिजल्ट है जिनके पास, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जब अप्लाई करेंगे तो उधर स्टूडेंट्स आपने अपना जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट ईयर के पुट करने हैं या सेकंड ईयर के। स्टूडेंट्स काफी सारे कंफ्यूज हैं उसके हवाले से स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन वीडियो में अपलोड शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जिनका जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, उनके पास तो उनका रिजल्ट है नहीं, उन्होंने तो अपना रिजल्ट लिखना है फर्स्ट ईयर का। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जिनके पास सेकंड ईयर का भी रिजल्ट है, वो कौन सा रिजल्ट लिखेंगे? स्टूडेंट्स आप इसमें उन्होंने जो है वो बताया है कि यूनिवर्सिटी वालों ने कोई इशू नहीं है, आप जो रिजल्ट मर्जी लिख दें, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट लिखते हैं तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप पूरा पूरे एफएससी का रिजल्ट लिख देंगे, जिनके पास पूरा रिजल्ट है तो अगर वो लिख देंगे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपका जो मेरिट बनना है वो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पर ही बनना है। बाकी अगर आप सेकंड ईयर का भी लिख देते हैं, टोटल मार्क्स लिख देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। जिनके पास अभी जिनका रिजल्ट आना है वो तो फर्स्ट ईयर का ही लिखेंगे, लेकिन जिनके पास कंप्लीट रिजल्ट है वो कंप्लीट भी लिख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट का भी लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें, इसमें कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो है वो अपडेट आई थी जो आपसे शेयर करनी थी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद हमारे पॉलिटिकल और क्रिकेट न्यूज हासिल करने के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मजीद स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ तो मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिए कि इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।